गुरुग्राम से लगती अगली सीट जो है वो है फरीदाबाद की सीट। यहाँ भी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद हैं और लगातार जीत रहे हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिताऊ कैंडिडेट पे ज्यादा फोकस बीजेपी का रहेगा, तो फरीदाबाद से भी हालांकि कई दावेदार हैं, दावेदारों के नाम आ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर सबसे प्रमुख दावेदार हैं, विपुल गोयल हैं, राजेश नागर हैं, एक दो नाम और भी चल रहे हैं, लेकिन ये तीन नाम इन पे चर्चा ज्यादा हो रही है। कमल जी क्या कहते हैं आप, फरीदाबाद से क्या कृष्णपाल गुर्जर को दोबारा रिपीट किया जाएगा? देखिए अनुमान है कि इस बार शायद कृष्णपाल गुर्जर को अर्पित ना किया जाए, कोई नया चेहरा फरीदाबाद से उतारा जाए, ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। फिलहाल अगर जो नाम आपने लिए हैं उनमें अगर प्रबल दावेदारों में गिनती की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जी का नाम वहां काफी स्टिक बैठता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुग्राम के बाद अगर फरीदाबाद की राजनीति देखी जाए तो बहुत बड़ी राजनीति है, क्योंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ जो फरीदाबाद है उसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली का जो प्रभाव है वो फरीदाबाद गुरुग्राम पे रहता है। तो दिल्ली में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनका जो एक सर्कल जो है वो फरीदाबाद की ओर भी ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर फरीदाबाद में बहुत सी चीजें देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि बीजेपी का जो मंथन है फरीदाबाद सीट को लेके काफी गहन होगा, क्योंकि ये सीट ऐसी सीट है और बड़ा एरिया है ये, और मुझे लगता है कि यहाँ बड़े सोच समझकर उम्मीदवार उतारना होगा, क्योंकि पीछे जिस प्रकार से आपसी नेताओं की लड़ाई वहां देखने मिली थी बीजेपी के, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को तमाम चीजों को सुधारते हुए सारी चीजों को देखते हुए उसके बाद निष्कर्ष निकालना चाहिए, और उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं एक बदलाव फरीदाबाद में देखा जा सकता है। जी कमल जी बिल्कुल बदलाव की बात आप कह रहे हैं कि क्या पता कृष्णपाल गुर्जर को इस बार रिपीट ना किया जाए। डॉक्टर साहब आपका क्या विचार है फरीदाबाद सीट को लेकर, बीजेपी क्या कोई दांव खेलेंगे? विकास मलिक जी, फरीदाबाद सीट पर मैं काफी हद तक कमल गोदाम जी से सहमत हूँ, क्योंकि इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो लगातार दो तीन बार से कृष्णपाल गुर्जर जी सांसद बनते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, और स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी उनके प्रति नाराजगी देखने को मिलती है बहुत सारी बार, और वहां स्थानीय जो संगठन है उसकी गुटबाजी भी बहुत बार उभर कर सामने आई है, और बीजेपी के लिए एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो दो तीन नाम आपने बताए उनसे अलग भी कोई चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, जहां तक मैं समझता हूँ बीजेपी का कोई सेंट्रल लेवल का नेता हो सकता हो, हरियाणा से बिलोंग ही ना करता हो, कोई ऐसा चेहरा जो दिल्ली के पास की सीट से लड़ना चाहता हो और बीजेपी उसको भी वहां से कैंडिडेट उतार के सबको चौंका सकती है।